गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक टॉपिक प्राकल्पना से संबंधित कि प्राकल्पना की अर्थ परिभाषा और विशेषताएं और प्रकार के बारे में हम इस वीडियो के ऊपर बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले यह समझेंगे कि प्राकल्पना क्या होती है या उपकल्पना किसे कहते हैं। सामान्य तौर पर प्राकल्पनाओं का जो प्रयोग है वो अनुसंधान या सर्वेक्षण के दौरान किया जाता है। जब व्यक्ति किसी विषय का अनुसंधान करता पहले समस्या का निर्धारण कर लेता है तो उस समस्या के निर्धारण के बाद उस अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए जो एक स्टेटमेंट होता है उसको प्राकल्पना की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात किसी भी अनुसंधान और सर्वेक्षण की समस्या के चुनाव के बाद अनुसंधानकर्ता समस्या के बारे में कार्यकारण संबंधों का पूर्वानुमान लगा लेता है। यह पूर्वानुमान ही प्राकल्पना या परिकल्पना कहलाती है। अब हम इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि माना कि एक समस्या है हमारे साथ में कि भारत में बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति, ये क्या है, हमारा अनुसंधान का विषय या समस्या है। तो इसका कार्यकारण जो संबंध है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं जो हमारे सामान्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर होती है। उसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है। ये क्या हुआ, हमारी एक हाइपोथेसिस हुई कि निर्धनता की वजह से अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अब इसी के आधार पर हम तथ्यों का संकलन करेंगे और संकलन के आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या वास्तव में निर्धनता ही बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति के लिए प्रमुख कारण है या कोई अन्य कारण भी है। तो इस प्रकार जब समस्या का चुनाव करने के बाद हम लोग उसके एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस या टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं और उसी आधार पर तथ्यों का संकलन करते हैं, उसको हम प्राकल्पना, परिकल्पना या उपकल्पना कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्राकल्पना की परिभाषा और अर्थ के बारे में। अलग अलग विद्वानों ने प्राकल्पना की अलग अलग तरह से परिभाषा को परिभाषित किया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गुडे एंड हेड। गुडे एंड हेड जो है एक गणित समाजशास्त्री हैं और रिसर्च मेथड में आपकी बुक मेथड्स इन सोशल रिसर्च बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें अनुसंधान से संबंधित सभी चीज़ों को कवर किया गया है। पूरे में कहते हैं कि प्राकल्पना एक प्रस्तावना है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो इस परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राकल्पना क्या है, प्रस्तावना अर्थात एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण अर्थात उसको वो सही होगी या वो गलत होगी तथ्यों के आधार पर परीक्षण करके ये तय किया जा सकता है। दूसरे विद्वान हुए पीवी यंग प्राकल्पना के बारे में कहते हैं कि कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार है कार्यवाहक उपकल्पना कहलाती है या कार्यवाहक उपकल्पना मानी जाती है। अर्थात पीवी यंग के अनुसार एक ऐसा विचार जो कार्यवाहक है अर्थात जो कि एक रिसर्च के अंदर एक वैल्यू रखता है तो वो उपयोगी खोज अर्थात जो तथ्यों का संकलन होगा उसके आधार पर वो उपयोगी खोज का आधार बन सकता है, उसको हम कार्यवाहक कल्पना कहते हैं। इस प्रकार इन परिभाषाओं और ऊपर जो हमने प्रस्तावना ली उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार निष्कर्ष कथन है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जाँच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। प्राकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। अब बच्चों कुल मिलाकर बात यह है कि प्राकल्पना के बगैर कोई भी अनुसंधान करता या जो समस्या वह लेता है उसमें वह आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि प्राकल्पना ही अनुसंधान का आधार होती है। क्योंकि अगर प्राकल्पना नहीं होगी तो किस आधार पर तथ्यों का संकलन करेगा। आगे हम बात करते हैं प्राकल्पनाओं की विशेषताओं के बारे में। जो परिभाषाएं और प्रस्तावनाएं अभी जो विद्वानों ने दी उसके आधार पर प्राकल्पना की कुछ विशेषताएं हैं उस पर हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। सामान्य तौर पर प्रश्न पूछा जाता है कि अच्छी प्राकल्पना की विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है, यह सिर्फ आपको घुमाने के लिए पूछा जाता है कि अच्छी प्राकल्पना की विशेषताएं बताइए, आपको उसमें प्राकल्पना की विशेषताएं लिखनी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है।
अब पहली विशेषता है अवधारणात्मक स्पष्टता। कोई भी प्राकल्पना हो उसके अंदर अवधारणात्मक स्पष्टता अर्थात जो भी हम उसके अंदर टर्म यूज कर रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, उसमें भाषा संबंधी जो स्पष्टता है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाषा ऐसी हो जो हम समझ नहीं पाए और अनुसंधान में बाधा आए। एक अच्छी प्रकल्पना की दूसरी विशेषता है कि वो विशिष्टता तथा यथार्थता लिए हुए होनी चाहिए। आमतौर पर सामान्य जो जीवन है या सामान्य जो चलन चल रहा है या किसी भी काल्पनिक आधार पर हम लोग प्रकल्पना का निर्माण अर्थात जिसका सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है उसको हम लोग प्रकल्पना नहीं मानेंगे। तो प्रकल्पना विशिष्टता होनी चाहिए, दूसरी यथार्थता होनी चाहिए। कार्य कारण जो संबंध है उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी वो प्रकल्पना अच्छी मानी जाती है। तीसरा बिंदु है प्रयोग सिद्धता। प्रयोग सिद्धता के अंतर्गत हम लोग सत्यता की जांच वास्तविक तथ्यों के आधार पर कर सकते हैं, ऐसी प्रकल्पना का निर्माण हमें करना चाहिए सावधानी के साथ। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि अगर उस प्रकल्पना में प्रयोग सिद्धता नहीं है तो वह प्रकल्पना हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगी। अगला बिंदु है उपलब्ध प्रविधियों से संबंध। जब भी कभी कोई अनुसंधान करता है तो एक रिसर्च डिजाइन तैयार करता है और उस डिजाइन के अंतर्गत वो डिसाइड करता है कि मुझे किन प्रविधियों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करना है या तथ्यों का संकलन करना है। तो जो भी हमारी प्रकल्पना है उसका हमें विशेष ध्यान और सावधानी रखनी है कि वो जो हमारे पास उपलब्ध प्रविधियां हैं उसके आधार पर संबंधित हो, नहीं तो वह प्रकल्पना हमारे लिए अच्छी नहीं हो सकती है। अगला बिंदु है सरलता। पीवी यंग सरलता की बहुत अधिक हिमाकत करते हैं और कहते हैं कि सरलता एक तेज धार वाला उस्तरा या यंत्र है जो व्यर्थ की प्रकल्पनाओं और विवेचनाओं को कार देता है और इसे ये विलियम ओकम का उस्तरा कहते हैं। कुल मिलाकर प्रकल्पनाएं बहुत ज्यादा भाषाई आधार पर जटिल नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और सामान्य जीवन से संबंधित होनी चाहिए। अब इसमें कई बार प्रश्न पूछते हैं कि प्रकल्पनाओं को विलियम ओकम का उस्तरा किसने कहा या सरलता को लेकर विलियम ओकम का उस्तरा की बात कौन करता है। तो हमें यह ध्यान रखना है छोटे क्वेश्चन के अंदर कि पीवी यंग जो है उन्होंने कहा है कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है और जो व्यर्थ की प्रकल्पना और विवेचनाओं को काट भी सकता है, इसलिए इन्होंने क्या कहा है, इसे विलियम ओकम का उस्तरा कहा है। अगला बिंदु है सिद्धांत से संबंधित। तो दोस्तों कोई भी प्रकल्पना जो अनुसंधानकर्ता अध्ययन कर रहा है उस समस्या से संबंधित जो सिद्धांत है उससे संबंधित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अध्ययन और समस्या कुछ और है और प्रकल्पना हमारी कुछ और है, नहीं तो उसमें दोनों में क्या होगा, विरोधाभास स्थिति हो जाएगी या ऐसी स्थिति होगी कि अध्ययन हमारा जो है दिशाहीन हो जाएगा। इस प्रकार ये सारी विशेषताएं एक अच्छी प्रकल्पना की है। अब हम आगे चर्चा करते हैं प्रकल्पना के प्रकार के बारे में। वैसे तो प्रकल्पनाएं जो है सामाजिक तथ्यों, घटनाओं, समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्यों, तथ्यों आदि के आधार पर कई प्रकार की हो सकती है। अलग अलग विद्वानों ने प्रकल्पनाओं के अलग अलग प्रकार बताए हैं, लेकिन यहाँ हम गुडेम हार्ट और कुछ अन्य प्रकल्पनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। गुडेम हार्ट ने मुख्य रूप से तीन प्रकल्पनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहली है आनुभाविक समानताएं बताने वाली, दूसरी जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित और तीसरा है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। पहली जो है वो है आनुभाविक समानताएं बताने वाली। अब इनके अंतर्गत जो प्रकल्पनाएं आती हैं वो है मानव का सामान्य ज्ञान हो गया, दैनिक जीवन के अनुभव हो गए, मान्यताएं हो गई, विश्वास पर आधारित हो गई। अब आम जन जीवन में जो विश्वास बने हुए हैं कि जैसे गंजा व्यक्ति धनवान होता है, अब ये प्रकल्पना जो है उसका हम लोग वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण कर सकते हैं और इन्हीं तरह की जो सामान्य जीवन में जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, इनको आधार बनाकर जब हम अध्ययन करते हैं तो वो आनुभाविक समानताओं को बताने वाली प्रकल्पनाओं की श्रेणी में आती है। दूसरी है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की प्रकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभाविक एक रूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना है, अर्थात जो आनुभाविक एक रूपताएं हैं उनमें तार्किक आधार पर जो कोरिलेशन या संबंध को परीक्षण के आधार पर निकाला जाता है उसका अध्ययन जटिल आदर्श प्रारूप में किया।
किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दुर्खिन ने आत्महत्या का अध्ययन किया और उन्होंने उसमें एक कोरिलेशन निकाला कि गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। इस प्रकार आत्महत्या क्या था, एक जटिल आदर्श प्रारूप था और उन्होंने गांव और नगरों का एक कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद एक संबंध की उपस्थिति निकाली कि गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। तीसरा जो प्रकार है वो है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। अर्थात कोई भी सामाजिक घटना होती है उसमें अनेक कारक होते हैं और उनमें से कुछ सहायक कारक होते हैं और कुछ प्रमुख कारक होते हैं। तो जो प्रमुख कारक और जो सहायक कारक हैं उनका विश्लेषण करके और अध्ययन करना कि उनका प्रभाव एक दूसरे पर कैसे पड़ता है, वो विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि एक अच्छी फसल लेने के लिए हमें उत्तम खाद चाहिए, बीज चाहिए, भूमि, पर्यावरण और पानी की पर्याप्त मात्रा चाहिए। अगर इनमें से कोई भी वेरिएबल एक कम होता है तो वो फसल के ऊपर प्रभाव डालेगा। तो इसमें से कारक में परिवर्तन करके फसल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने का प्रयास जो है वो विश्लेषणात्मक चरों के अंतर्गत किया जाता है, जिसे गुडेनहार्ट तीसरी तरह की परिकल्पना बताता है। ये तो गुडेनहार्ट ने बताई तीनों परिकल्पनाएं, अनुभाविक समानता बताने वाली, जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। ये छोटे क्वेश्चन में और 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। छोटे क्वेश्चन में आपको गुडेनहार्ट ने कितने प्रकार की परिकल्पनाएं बताई है ये पूछा जा सकता है, और बड़ा जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें गुडेनहार्ट की परिकल्पनाओं से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत कीजिए या कितने प्रकार की परिकल्पनाएं बताइए, बड़े 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर कुछ अन्य प्रकार की परिकल्पनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सकारात्मक कथनों से संबंधित। जहां पर कथन सकारात्मक होता है वहां सकारात्मक कथनों से संबंधित परिकल्पना होती है। उदाहरण के लिए, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है। इसी के साथ दूसरी जो परिकल्पना है वो है नकारात्मक कथनों से संबंधित। अर्थात पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती है। जहां पर नहीं होती है या ना आएगा वो नकारात्मक कथनों से संबंधित होगी परिकल्पना। तीसरा है शून्य कथनों से संबंधित। शून्य कथन हमेशा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त करता है, या उनमें ऐसी परिकल्पनाओं में सकारात्मक और दोनों नकारात्मक दोनों को ही व्यक्त किया जाता है। जैसे पुरुष व महिलाओं की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ह्यूमन में ये ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग वो लोग अपना व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार सकारात्मक कथनों से संबंधित, नकारात्मक कथनों से संबंधित और शून्य कथनों से संबंधित कुछ अन्य प्रकार की परिकल्पनाएं जो हमने आज चर्चा की। इस प्रकार हमने आज परिकल्पना के अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं और प्रकार से संबंधित इस वीडियो में चर्चा की है। आपको ध्यान रखना है गुडेनहार्ट की बुक का नाम ध्यान रखना है, उसने कितने प्रकार की परिकल्पनाएं बताई है ये ध्यान रखना है, और पूरा प्रश्न जो है वो आपका 10 नंबर और 20 नंबर में पूछा जा सकता है। यह वीडियो विशेष तौर से BA पार्ट सेकंड तथा द्वितीय वर्ष के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर के लिए बनाया गया है और उन बच्चों के लिए अधिक उपयोगी रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगला जो इसमें बाकी रह गया है पोर्शन वो अगले वीडियो के साथ हम लोग वापस चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।